हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले भी जितने क्वेश्चन है उनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके सारे क्वेश्चन को बारी बारी से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, लिखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया है, इसमें एक समकोण त्रिभुज है ना, उसकी जो ऊंचाई है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और जो उसका कर्ण है ना 13 सेंटीमीटर है। तो हमें आधार प्लस ऊंचाई भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको ना अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधी अपनी नोटबुक पर। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी नोटबुक पर, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अब दोस्तों ना आप ध्यान से देखिए, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को तो पढ़ लिया है, अब हमने इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की बात हुई है ना, हुई है कि नहीं हुई है? तो हम क्या करेंगे, पहली फुर्सत में हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रफली समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, हमने यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बना दिया है। इसके हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, सही है ना दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाली भुजा कर्ण है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण ही है, कर्ण है। ये वाली हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई मैंने लिख दिया। और ये हमारा है आधार, ठीक है, आधार, ठीक है, बराबर है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इसमें सीधा सिंपल, यहाँ कर्ण तो हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण तो हमारा 13 सेंटीमीटर है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है जो हमारे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई होती है ना जो सीधी सीधी होती है, वो ऊंचाई होती है दोस्तों। ये जो ऊंचाई है ना, ये आधार से, यहाँ पर लिखा है आधार से कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसके आधार को क्या करें, एक्स मान लें, तो देखिए दोस्तों, उसकी ऊंचाई है ना आधार से कम है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आधार से कम कर देंगे, कम का मतलब माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसका आधार कार्ड तो हमें दिया था और हमने इसकी ऊंचाई भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका आधार माना था, तो हम सिंपली यहाँ पर यही लिख देंगे कि माना। यहाँ पर अब हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना, माना आधार है एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर आधार हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई हो जाएगी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर है। अब क्या करेंगे, और जो कर्ण है ना, कर्ण भी हमें दिया है, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कर्ण 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर, सॉरी इसका नहीं, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या लॉजिक लगाएं जो हमारा द्विघात समीकरण बन जाए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसका क्षेत्रफल निकाल के भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से ही द्विघात समीकरण बनेगा। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस, ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से आती होगी, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय कहती है, क्या कहती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आधार का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यानी कि इसका लंब, लंब को हम चाहे ऊंचाई कह लें चाहे लंब कह लें। तो यहाँ पर हमने ऊंचाई यूज की है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू को रख देंगे, कड़ की कितनी वैल्यू है, कड़ की है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर हम बाद को लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, आधार, आधार यहाँ पर है एक्स, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस करेंगे,
अब ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर है एक्स माइनस सात का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 169 बराबर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्स माइनस सात का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हमारा ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि सूत्र पुट करने वाले हैं, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और सात का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 77 49 और माइनस के 2ab, ठीक है। तो माइनस के 7 2 14x, ठीक है 14x। अब यहाँ पर हमने देखी दोस्तों, यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें पता चलता रहे हमने यहाँ पर क्या किया, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2x² माइनस के 14x और प्लस के 49, ठीक है। यहाँ पर 49 होंगे 49। अब देखिए दोस्तों, ये 169 प्लस के हैं, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 169, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा तो यहाँ पर बच जाएगा 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2x² माइनस के 14x, ठीक है 14x। अब देखिए दोस्तों, जब हम 169 में से 49 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए दोस्तों 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, ठीक। और यहाँ से 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा और 1 बच जाएगा, तो यानी कि माइनस का 120 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे देना, तो भाग देने के बाद जो हमारा फाइनल समीकरण बन जाएगा x² माइनस के 7 2 14x, ठीक है 14x और माइनस के 120 को आधा करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है बराबर के 0, ठीक है। हमने क्या किया, इससे पूरे समीकरण को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल समीकरण बन जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें द्विघात समीकरण हमारा बन चुका है, अब इसको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए दोस्तों, हमें 60 के ऐसे टुकड़े करना है जो प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई वापस 60 मिलना चाहिए, ठीक है मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहली फुर्सत में हम 60 के ना फैक्टर काट लेते हैं गुणनखंड। चलिए दोस्तों काटते हैं, देखिए दोस्तों गुणनखंड काटेंगे, ठीक है गुणनखंड काटेंगे सबसे पहले छोटी संख्या से, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, ठीक है 30 बार कट गया। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 1 2 और यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर हो गया 10, 2 5 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 को हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 से काटेंगे 5 1 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो हमारे ये वाली अभाज्य संख्या आई है ना, इसी को हमें इस तरह से दो युग्म बनाने हैं, दो टुकड़ों में हमें इसको करना है ताकि प्लस माइनस करने पर हमें ना बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से करेंगे, देखिए 2 1 2 2 2 4 और 4 3 12, ठीक है 12 और बच गया 5, ठीक है। तो 12 और 5 के हम जोड़े बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 12 में से 5 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है माइनस का 7 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको माइनस कर दें इसको प्लस कर दें तो 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीच में x है तो हम क्या करेंगे, चुप्पा से ना x रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, 12x में से 5x जाएंगे तो माइनस के 7x बचेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, अब कुछ नहीं करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से देखना, x², अब माइनस 7x की जगह हम ये बारी वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 12x और प्लस के 5x, ठीक है और माइनस के 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, कॉमन हम वो वाला नंबर लेते हैं जो हमें दोनों पदों में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x है, ठीक है x यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पर भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पर बाहर कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 2x में से 1x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल 1x बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ से 1x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर केवल 12 बचेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम प्लस के 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है तो 5 बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा, ठीक है x बच जाएगा। देखिए दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब हम 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 5 होते हैं 60, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों कोष्टक है ना एक जैसे वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम केवल एक बार लिख लेंगे x माइनस 12, और क्या करेंगे दूसरे कोष्टक में हम इस बची हुई वैल्यू को लिख देंगे x प्लस के 5, ठीक है x प्लस 5 और बराबर 0 है। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, x माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे
तो x की वैल्यू प्लस के 12 निकल के आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दूसरी वैल्यू को रखेंगे, यानी कि x प्लस 5 को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो x की वैल्यू माइनस के 5 निकल के आएगी। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ना x की दो वैल्यू मिल चुकी हैं। अब क्या करेंगे, हम x की ना ये वैल्यू प्लस की वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी ना, यह भुजा की ना लंबाई होगी। और देखिए दोस्तों, भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, जो लंबाई होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 12 पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू 12 निकल गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आधार है ना, आधार 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो 12 में से 7 जाएंगे। देखिए दोस्तों, 12 माइनस के 7 तो हमारा 5 निकल के आएगा, तो हमारे जो आधार है ना वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी ऊंचाई है ना वो हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों भुजाएं निकाल ली हैं, जो हमारे आधार है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है ना 5 सेंटीमीटर निकल के आई है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये एग्जाम के लिए, इसलिए क्वेश्चन को आराम से ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को आराम से कर लेना। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने क्वेश्चन किया। आई होप आपको बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।